बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, अन्य जनपदों में आतंक का पर्याय बन चुके 50,000 के इनामी राकेश राय और 20,000 के इनामी सोनू कुमार को गोरखपुर के एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों इनामी बदमाशों को एसटीएफ की टीम ने गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर में रहकर बिहार में अपने गुर्गों से वारदात कराते थे। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर, अन्य जनपदों में डॉक्टरों, व्यवसायियों से रंगदारी मांगते थे। इन जिलों में इनका काफी आतंक था। बिहार में हुए कई बड़ी हत्याओं में ये शामिल रहे, जिसके मद्देनजर बिहार सरकार ने इनके ऊपर इनाम घोषित किया था। एसटीएफ ने दोनों शातिर अपराधियों के पास से 2 पिस्तौल, काफी मात्रा में कारतूस, 4 मोबाइल बरामद किया। दोनों अपराधियों को खोराबार थाने पर भेज दिया गया है, जहां इनसे और पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ के अनुसार दोनों अपराधी बिहार प्रांत के बहुत हार्ड क्रिमिनल हैं। इन दोनों पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरनगर और सहरसा सहित अन्य जनपदों ने दर्ज है। इन अपराधियों के बारे में बिहार प्रांत की पुलिस से भी जानकारी हासिल की जा रही है। फिलहाल एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास की खंगाल रही है। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से हत्या, रंगदारी सहित अन्य आपराधिक वारदातों का खुलासा हो सकता है। नहीं नहीं, सीधा बोलो, 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 सीधा बोलो,